तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, लियो मूवी का प्रोमो आ चुका है, जिसमें हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार थालापति विजय हैं, जो कि आपने देख लिया होगा और आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगी होगी, मैं जानता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि विक्रम से कनेक्टेड है? अगर नहीं पता तो बने रहे मेरे वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये मूवी जो है, उसका प्रोमो जो शुरू होता है वो एकदम सेम शुरू होता है, जंगल के बीच से शुरू होता है। जंगल के बीच से कैमरा एंगल दिखाया जाता है, जो कि अगर आप विक्रम मूवी का भी देखोगे तो वहीं से कैमरा एंगल ले गया गया था स्टार्टिंग का। अगर डाइनिंग सेट की बात करें तो डाइनिंग सेट में जो पीछे से एंगल दिखाया गया कैमरा एंगल, वो सब कुछ सेम है, डाइनिंग सेट सेम है। अगर साइड के डिजाइन देखोगे सब कुछ सेम, एकदम रिजेम्बलेंस करती है विक्रम मूवी से, तो सेम टू सेम रिजेम्बल हो रहा है। अगर उनके स्टाइल की बात कर लो, वो एक यूनिक है, क्योंकि वो तो अपना फ्लेवर देंगे, क्योंकि सुपर स्टार है भाई। अगर आपको नहीं पता तो विजय भाई की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ही बड़ी। अगर आप मैं बात करूं तो उसका कोई भी मूवी आप उठा के देख लो, वो खराब मूवी बनाए चाहे अच्छा मूवी बनाए, इतनी भयानक उनके फैन फॉलोइंग है कि हिट तो हो ही जाती है आराम से, तो आप उन पे कोई डाउट नहीं कर सकते। लेकिन उनके कैरेक्टर की बात करो तो एक अग्रेशन दिख रहा है उनके अंदर, लेकिन दूसरी तरफ उनका सॉफ्ट टोन भी दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर मैं बात करूं तो जितने भी एंटी हीरो होते हैं उनका एक सॉफ्ट टोन होता है, जैसे कि आप जॉन विक की बात करो, वो एक तरह से एंटी हीरो है, वो हीरो तो है लेकिन एंटी हीरो, क्योंकि गुंडे को एक गलत तरीके से मारता है, लेकिन कैसे मारता है वो आपको पता है। लेकिन उसका एक सॉफ्ट टोन भी दिखा गया कुत्ते के साथ, कि वो डॉग को कितना प्यार करता है, डॉग लवर है, और उसका जो स्टोरी से कनेक्ट होता है बैकग्राउंड का, वो उसका सॉफ्ट टोन को दिखाता है कि वो भी कभी एक इंसान हुआ करता था, सीधा साधा, वो भी एक सीधी साधी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वो क्यों बन गया ऐसा कमीना, वो उसके ये बताता है कि ये सॉफ्ट टोन दिखाने का तरीका होता है। तो इसमें जो थालापति विजय की सॉफ्ट टोन दिखाता है, वो उसका चॉकलेट दिखाता है, कि चॉकलेट वो बेकरी में चॉकलेट जो बना रहे वो उनका सॉफ्ट टोन को दर्शाता है, कि वो भी कभी सॉफ्ट हुआ करते थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो भी अब सॉफ्ट नहीं रहे, वो भी अब निर्दयी आदमी बन गए हैं, जो कि सबकी बैंड बजाएगा, और क्यों बजाएगा वो हम लोग को मूवी में देखने पता चलेगा। लेकिन अगर ये यूनिवर्स का पार्ट है जैसे कि प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो यूनिवर्स का पार्ट होने से ये पता चलता है कि जो विलेंस आ रहे हैं एकदम गैंग बाई गैंग आ रहे हैं कार से, इतने सारे विलेंस एक साथ, उन सबका अकेले सामना करने के लिए वो तलवार से सामना करेंगे। जहां कि विक्रम में आप देखोगे तो विक्रम में एक प्री प्लान उनका तरीका रहता था, गन वन रखते थे, वो गन से बजाते थे और बहुत सारे मिल्कि गैंग के साथ बजाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वो अकेले सबकी बैंड बजाएंगे, सबकी बुंड फाड़ेंगे अकेले, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि थालापति विजय है भाई, वो अकेले कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी मूवी में किया, तो ऐसा दिखेगा। और वो तलवार से सबकी बैंड बजाने वाले, तलवार भी खुद बनाते वो। तो जितना भी मेरे को शॉर्ट्स था, डार्क थीम था जो प्रोमो का, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो कि प्रॉमिसिंग लग रहा है बहुत ज्यादा, जो कि पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, यूनिवर्स का पार्ट होगा ये तो 90% श्योर है, क्योंकि सारे शॉट रिजेंबल करते हैं। और अगर कुछ कुछ थ्योरी भी निकल के आ रही है कि हो सकता है थालापति विजय जो है वो हो सकता है विलेन हो, और रियलिटी में जो चील उड़ते हुए दिखा रहे हैं वो विक्रम का साइन रिजेंबल करता है, और विक्रम का साइन रिजेंबल करता है तो हो सकता है विक्रम के आदमी आ रहे हैं उसको मारने के लिए, और थालापति भी जहां यहाँ पे एंटी हीरो का रोल प्ले कर रहे हो, जो कि उल्लो के अपोजिट हो, रोलेक्स का हो सकता है कोई आदमी हो, क्योंकि रोलेक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था विक्रम में। आप अगर लास्ट में देखोगे उसका एंड क्रेडिट सीन, तो उसमें रोलेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सुपर विलियन बनने वाला यूनिवर्स का, और यूनिवर्स का पार्ट बनेगा। कैथे मूवी आप देखे होगे और विक्रम भी देखे होगे आप, तो सारी की सारी मूवी जो यूनिवर्स का पार्ट है, इसमें सबको ड्रग डील की काम चल रही है, ड्रग से हम लोग लड़ेंगे, जितने भी हीरो दिख रहे हैं वो ड्रग के अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है गुंडे के, तो यहाँ पे भी वही दिखेगा। हो सकता है ये मूवी में उसी पे बेस्ड हो कि ड्रग को कैसे रोका जाए, और ये अगर ऐसा होता है और अगर एंटी हीरो का काम नहीं करते तो हो सकता है वो विक्रम के साथ मिलकर रोलेक्स का सामना करेंगे, और रोलेक्स बैडेस गुंडा होने वाला है, सुपर विलियन बनने वाला है, ये तो हम लोग को पहले से पता है। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि वो रोलेक्स के साइड हो और विक्रम भैया को अकेले लड़ना पड़े। इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं, क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने सारे पॉसिबिलिटीज जो थे मैंने आपको समझा दिया। अगर आप सबके पोस्टर देखोगे विक्रम का, तो उसका ग्रेश टाइप का पोस्टर है, जो कि दर्शाता है कि उसका ग्रे शेड भी है विक्रम का, जो कि हम लोग को मूवी में देखने मिला उसका ग्रे शेड। अगर इस मूवी के पोस्टर की बात करो तो ये मूवी का पोस्टर रेड कलर में है, जो कि दर्शाता है कि कितना ज्यादा वायलेंट होने वाला मूवी है, जो कि हम लोग को देखना, यही तो देखना हम लोग को बनता है, क्योंकि जिसमें वायलेंट होता है वही तो मजा आता है। जैसे जॉन विक हो गया, स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक वायलेंट गन एंड शॉट्स सब कुछ एकदम दमदार, तो वैसा ही देखना बनता है अपने को, वैसा ही मांगता है अपने को, वही सब तो मजा देती है। और अगर बात करें इसके रिलीज डेट की, तो ये आने वाला है आपका 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है सिनेमाघरों में। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए मेरे को बताओ, और आप क्या सोचते हो उसके यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में, कि किससे कनेक्ट होती है और कैसे कनेक्ट होती है। अगर आपके कुछ थ्योरी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, अब तो कर दो।